आज झूठ का राज चल रहा है, झूठ धड़ाधड़ फैलाया जा रहा है। भाजपा की जो आईटी सेल है उसके द्वारा फैलाया जा रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा रहा है। लोगों के मकान बुलडोज करे जा रहे हैं और उसको सरकारें और मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि भाई हम बुलडोजर चला देंगे। नफरत फैलाई जा रही है, माइनॉरिटीज को कुचला जा रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ खूब नफरत फैलाई जा रही है। और पुलिस वगैरह तो बिल्कुल ही, पुलिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, NIA, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब तो बिल्कुल सरकार की पॉलिटिकल एजेंसीज की तरह से काम कर रही हैं। सबको धाराशाही कर दिया गया है और सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया। लेकिन आज भी हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ढहता चला जा रहा है इस भय के माहौल में। आज भी जजों को डर लगता है कि भाई पता नहीं क्या कर देगी सरकार, इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार है। बहुत बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। अगर ये मूवमेंट खड़ा हुआ तो इससे मोदी सरकार को बहुत ज्यादा राजनीतिक नुकसान होगा। इमरजेंसी के अवसर पर हर बार हर साल ऐसा आयोजन किया, उसको याद करने के लिए और उससे जो हम लोग लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन इसलिए कि इतने साल से फासीवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें जन हस्तक्षेप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है। देखिए, इमरजेंसी के बारे में कुर्बान अली जी ने हम लोगों को बता दिया कि कितना भयावह समय था जब हमारे लोकतांत्रिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे एक तरह से, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया था बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी ट्रायल के। और मौजूदा सरकार यही कहती है कि देखिए, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दी, हम लोग तो सब लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। अगर हम इमरजेंसी का दौर आज के दौर से कंपेयर करें तो ये बात सही है कि उस दौरान, उस 19 महीने के दौरान लोकतांत्रिक अधिकार काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन अगर हम आज का दौर देखें तो आज तो सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं ख़त्म किए जा रहे हैं, वो तो ख़त्म किए ही जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से, देखिए चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव में पैसा चलता है, और पैसा हम देख रहे हैं कि करीब करीब 80% पैसा सिर्फ एक पार्टी के हाथ में आ गया। चुनाव में प्रोपेगेंडा चलता है, प्रोपेगेंडा का ज़रिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी तकरीबन एक पार्टी के हाथ में आ गई। तो चुनाव तो होते हैं लेकिन काफ़ी हद तक एक फार्सिकल से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें, उससे थोड़ा और आगे बढ़ें, तो आज झूठ का राज चल रहा है, झूठ धड़ाधड़ फैलाया जा रहा है। भाजपा की जो आईटी सेल है उसके द्वारा फैलाया जा रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान ये सब नहीं हुआ था, प्रेस सेंसरशिप ज़रूर हुई लेकिन इस तरह के कम्युनल हेटफुल झूठ फैलाना ये सब नहीं हुआ था। हमारा संविधान कहता है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट करना चाहिए। आज तो टेक्स्ट बुक्स में से डार्विन को हटाया जा रहा है, पीरियोडिक टेबल को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रिलायंस अस्पताल का इनॉग्रेशन करते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी क्योंकि गणेश जी की सूंड प्लास्टिक सर्जरी से करी गई थी। यानी कि साइंटिफिक टेम्पर ख़त्म किया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म करी जा रही है। रूल ऑफ लॉ, आज तो मॉब लिंचिंग आम हो गई है। मॉब लिंचिंग होती है और पुलिस उन लिंचर्स को संरक्षण देती है, जिनकी लिंचिंग हो रही है उन्हीं को पीटती है। लोगों के मकान बुलडोज करे जा रहे हैं और उसको सरकारें और मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि भाई हम बुलडोज़र चला देंगे। यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
ये भी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ था। नफरत फैलाई जा रही है, माइनॉरिटीज़ को कुचला जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ खूब नफरत फैलाई जा रही है, ये भी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ था। और ये सब क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है कि जो हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, चाहे हम न्यायपालिका को ले लें, चाहे मीडिया को ले लें, चाहे पार्लियामेंट को ले लें, चाहे सारी पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ले लें, चाहे इलेक्शन कमीशन को ले लें, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ले लें, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशंस को ले लें, सबको धाराशाही कर दिया गया है और सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया। ये सब स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करने के लिए और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए, लेकिन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आज ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन आज सरकार से स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है। और पुलिस वगैरह तो बिल्कुल ही, पुलिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब तो बिल्कुल सरकार की पॉलिटिकल एजेंसीज की तरह से काम कर रही हैं। ये सब भी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुआ था। ये ज़रूर हुआ था कि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, 1 लाख के करीब लोगों को जेल में डाल दिया था, एक तरह से हेबियस कॉर्पस ख़त्म कर दिया था। दो उस समय 10 हाई कोर्ट्स ने बोला था कि हेबियस कॉर्पस कायम रहेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स तो ज़रूर सस्पेंडेड हैं लेकिन रूल ऑफ लॉ सस्पेंडेड नहीं। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको देखने के लिए हमारी न्यायपालिका फिर भी हेबियस कॉर्पस पिटिशंस एंटरटेन करेगी। ये दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ढह गया उस समय डर के, उस भय के माहौल में, लेकिन आज भी हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ढहता चला जा रहा है इस भय के माहौल में। आज भी भय का माहौल, आज भी जजों को डर लगता है कि भाई पता नहीं क्या कर देगी सरकार, इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार है। अब सवाल ये है कि इससे लड़ा कैसे जा सकता है। देखिए, कुर्बान अली साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उनको कतई भी नहीं इसके लिए फॉल्ट कर सकता कि जो उन्होंने बहुत ही डिप्रेस्ड मैसेज यहाँ पर दिया कि भाई उनको आज नहीं लगता कि आज वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न हिंदुस्तान के बच्चे हैं। मैं मानता हूँ कि आज बहुत सारे मुसलमान हैं, शायद अधिकतर मुसलमान इस देश में ऐसे हैं जिनको यही बात लग रही हो और उनको ये भी नहीं उम्मीद है कि 2024 में कुछ बदलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी बहुत सारे जिसको कहते हैं रेज ऑफ होप है हिंदुस्तान में, कई हम देख सकते हैं। एक तो ये कि देखिए, ऐसे माहौल में भी, ऐसे दमन में भी बहुत सारे एक्टिविस्ट आज भी खड़े हुए हैं, आज भी बोल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रूर धाराशाही हो गया है लेकिन अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पर, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, वो लोग खुलकर इस सरकार के खिलाफ और इस दमन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, भाजपा हारी, और मुझे उम्मीद है कि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कम से कम 2 राज्य में और शायद 3 राज्यों में, शायद 4 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में तो भाजपा हारेगी, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान का भी क्लियर नहीं है, हो सकता है राजस्थान में भी हार जाए। तो इनको पब्लिक ओपिनियन ही हराएगी और पब्लिक ओपिनियन हरा पाए उसके लिए हम सारे सिटीजन्स को बहुत काम करना होगा। और वो काम एक तो ये है कि हम जो इनका झूठ फैलाया जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको काउंटर करने के लिए हम लोग, जैसे योगेंद्र यादव कहते हैं कि हम लोगों को, इन लोगों की ट्रोल आर्मी है, हमको ट्रूथ आर्मी बनानी है। इनकी ट्रोल आर्मी पैसे पर चलती है, हमको ट्रूथ आर्मी वॉलंटियर्स की बनानी है, जो कि इस झूठ को काउंटर कर सकें और जो असली चीज़ है, जो सही चीज़ है, उसको फैलाएं।
और हम लोग वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया उतना ही पावरफुल हो गया है जितना पावरफुल मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया चलाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, अल्टरनेट मीडिया में यूट्यूब पर आपको रवीश को NDTV से हटाया गया, उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, अब उनके यूट्यूब चैनल की फॉलोइंग जितनी NDTV में उनकी फॉलोइंग थी करीब करीब उतनी ही है, उतने ही लोग उनके हर रोज़ के वो प्रोग्राम सुनते हैं जितने वो जब NDTV में थे तब सुनते थे, और अब मुझे उम्मीद है कुछ दिन में वो और भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को वो काम करना है जो एज सिटीजन्स एंड सिटीजन्स जर्नलिस्ट हम लोग ऑल्टरनेट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है आज जिस पर देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। जब ये एंटी करप्शन मूवमेंट खड़ा हुआ था उस समय करप्शन का एक इशू था, मुद्दा था, लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। और क्योंकि इस एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के लिए ये मोदी सरकार ज़्यादातर जिम्मेदार है, इसलिए अगर ये मूवमेंट खड़ा हुआ तो इसमें इससे मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा राजनीतिक नुकसान होगा। और इस मूवमेंट के ब्रॉडली तीन आधार होंगे। पहला तो ये कि एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बनना चाहिए जिसमें कि हर एडल्ट को 21 साल से ऊपर का जो जना है उसको एम्प्लॉयमेंट एट मिनिमम वेजेस का हक मिलना चाहिए, और अगर सरकार उसको, अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे, तो फिर सरकार या तो उसको मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट दे, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसका कम से कम आधा दे। ये बिल्कुल सिंपल सा कानून बनाया जा सकता है और उसके घर के 50 किलोमीटर के दूर में एम्प्लॉयमेंट उसको दिया जाए, नहीं तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए। दूसरा इसका एलिमेंट ये होगा कि जितने रिक्त पद हैं सरकार के, जो कि आज 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, सारे अगर आप PSUs और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को मान लें तो 1 करोड़ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, इनको तुरंत भरा जाए, एकदम ईमानदारी से भरा जाए, ये उसका सेकेंड एलिमेंट होगा। तीसरा एलिमेंट कि ये जो PSUs का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसको रोका जाए। मैं ये नहीं कहता कि कोई PSU का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन दो सेक्टर्स में नहीं होना चाहिए। एक तो वो जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज वगैरह, वहाँ नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर कोई सब्सिडी की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, या फिर बैंक्स हैं, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां उसमें नहीं काम कर सकती, कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो कमांडिंग हाइट्स हैं उस सेक्टर की, वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। तो इसलिए अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन उसका बंद किया जाए। और चौथा एलिमेंट ये है कि जो बिल्कुल रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन चल रहा है नौकरियों का, कि सारी जो नौकरियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएं, उसको बंद होना चाहिए। तो अगर इन चार एलिमेंट्स पर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक आंदोलन इस देश में छेड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि वो शायद इस देश का, कम से कम इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट बन सकता है, और बहुत जल्दी से बन सकता है, जिससे कि मोदी सरकार को बहुत नुकसान होगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी हम लोगों को बिल्कुल होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, होप के कई बिंदु हैं और हम लोगों को उस पर डट के काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू।